हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। तो आप में से मोस्टली जो लोग पीसी पे खेलते हैं उसमें से बहुत लोग ब्लू स्टैक या फिर एमएसआई प्लेयर यूज करते होंगे खेलने के लिए। बट अगर आपको मैं ये कहूं कि उन दोनों इम्यूलेटर में ऐसा एक बग है जिससे आपका हेडशॉट जो है वो हमेशा अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी आपका लगेगा, कभी कभी नहीं लगेगा। आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। तो एक सिनेरियो इमेजिन करो, ठीक है, आप ब्लू स्टैक पे खेल रहे हो, आपकी सेटिंग बहुत ही अच्छी है जिससे आप लोग को बहुत अच्छे हेडशॉट मार सकते हो, वन टैप मार सकते हो, ड्रैग मार सकते हो, और आपने गेम ओपन किया, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत लोगों को मारा, किल्स किए बहुत सारे, उसके बाद गेम बंद कर दिया। उसके एक घंटे बाद या फिर थोड़े टाइम बाद आपने वापस से गेम ओपन किया और आपकी सेटिंग एकदम से चेंज हो गई, आपके हेडशॉट नहीं लग रहे, आपकी सेटिंग आपको ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी लग रही है, या तो फिर आपकी सेंसिटिविटी आपको बहुत ज्यादा कम लग रही है, आप रोटेट नहीं कर पा रहे स्क्रीन, आप हेडशॉट नहीं मार पा रहे, चेस्ट पे एम स्टक हो रहा है। अब मुझे बताओ कि ये सेम सिनेरियो आपके साथ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कमेंट्स में को जरूर बताना, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा कि उसको ठीक कैसे करते हैं। तो ये जो बग है या फिर ग्लिच है ब्लू स्टैक के अंदर, MSI के अंदर, वो बहुत लोगों को दिखता ही नहीं क्योंकि इनविजिबल है एक टाइप से, पर इससे आपकी सेंसिटिविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो बग है ना वो मोस्टली किन लोगों को देखने को मिलता है, जिन्होंने DPI बढ़ा रखी है या फिर कम कर रखी है। जो डिफॉल्ट आती है ब्लू स्टैक के अंदर MSI के अंदर वो आती है 240 DPI, ठीक है। अगर आपने 160 कर रखी है तो भी आपको बग देखने को मिलेगा, या फिर 400-500 कर रखी है, रूट करके बढ़ा रखी है तो भी आपको ये बग देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं ब्लू स्टैक के अंदर और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हूं मैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं ब्लू स्टैक 4 अपना ओपन करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ब्लू स्टैक 4 को रूट कर रखा है और मैंने BSpeaker से उसकी DPI बढ़ा रखी है जो कि है 480। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने DPI चेंज कर रखी है, डिफॉल्ट से कोई और चेंज कर रखी है 240 से, तो आपको ये बग देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी DPI सिलेक्ट नहीं किया ब्लू स्टैक के अंदर से, क्योंकि मैंने जो DPI बढ़ाई है वो BSpeaker से बढ़ाई है और मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो BSpeaker यूज करते हैं DPI बढ़ाने के लिए। तो जो बग है ब्लू स्टैक और MSI में वो ये है, अगर आपने DPI बढ़ा रखी है, जितनी बार आप ब्लू स्टैक और MSI को स्टार्ट करोगे उतनी बार आपकी जो DPI होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आपने 480 रखी है जैसे मैंने रखी है तो वो 480 पे स्टार्ट नहीं होगा, कभी कभी 160 पे होगा, कभी कभी 240 पे होगा। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब 240 पे स्टार्ट हुआ है, कब 480 पे स्टार्ट हुआ है, कब आपने जो DPI रखी है उसके ऊपर स्टार्ट हुआ है, अनलेस एंड अंटिल मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वो आप करते हो, जो कि है विजुअल टैप्स को ऑन करना। अब मुझको काफी टाइम से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप विजुअल टैप्स ऑन क्यों करते हो, उसमें तो फेक FPS आता है, वो तो देखने में अच्छा नहीं लगते, उसको ऑफ कर दो। तो मैं इसके लिए करता हूं, मैं FPS के लिए नहीं करता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके लिए करता हूं कि उससे मुझे पता चलता है कि DPI मेरी सही हुई है या फिर नहीं। तो विजुअल टैप से DPI जानने के लिए आपको क्या करना है, उसको पहले ऑन कर देना है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लोग स्टार्ट करते हो गेम उसको यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, और उसका डायमीटर है जो सर्कल का, कितना बड़ा सर्कल है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ये सर्कल है बहुत छोटा है और मैंने यहाँ पे 480 DPI कर रखी। तो क्या होता है, जितनी आप DPI बढ़ा रखते हो उतनी जो सर्कल की साइज होती है वो बढ़ जाती है। तो ये जो सर्कल की साइज है वो बहुत छोटी है, मतलब यहाँ पे जो DPI अभी स्टार्ट हुई है ब्लू स्टैक के साथ वो है 240 DPI, ठीक है। मैंने 480 रखी है बट अभी 240 पे स्टार्ट हुई है और ये मेरे को पता नहीं चलता अगर मैं ये विजुअल टैप्स ऑन नहीं रखता। तो अगर मेरे को ये पता नहीं होता, मैं गेम में ये देखता कि भाई मेरी सेंसिटिविटी एकदम से हाई कैसे हो गई, मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया है, मेरे तो सर के ऊपर से हेडशॉट कैसे जा रहे, मेरे बुलेट्स कैसे सर के ऊपर से जा रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने क्या गलती कर दी है। तो यहाँ पे मैं बिना फुटेज कट किए मैं आपको वापस से ब्लू स्टैक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, शायद से मेरी 480 DPI वाली जो ब्लू स्टैक है उस पर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अभी भी मैंने कोई भी यहाँ पे DPI में चेंज नहीं किया, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है, अभी देखते हैं कि मेरी जो विजुअल टैप्स का सर्कल जो साइज है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पे टैप करके देखते हैं और आप लोग देख सकते हो आपके आंखों के सामने कि मेरी टैप्स का जो साइज है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि इस बार जो मेरा ब्लू स्टैक स्टार्ट हुआ है, जो मेरी मैंने DPI रखी है 480 उसके ऊपर स्टार्ट हुआ है, तो इस बार मेरी सेंसिटिविटी एकदम मस्त होगी, मेरे हेडशॉट एकदम मस्त लगने वाले हैं। और आपकी DPI जो होगी उसकी सर्कल का साइज अलग होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा धीरे धीरे कि आपका सर्कल का साइज कौन सा आपके DPI के अकॉर्डिंग। अब एक और लास्ट बार ब्लू स्टैक स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फिर भी मैं कुछ भी कट नहीं कर रहा, अनकट फुटेज है पूरी, ठीक है। अब देखते हैं आप कौन से DPI पे ब्लू स्टैक स्टार्ट होता है। और वापस से एक बार लास्ट में दिखा देता हूं कि मैंने DPI में कुछ चेंज नहीं किया, कोई भी सेटिंग चेंज नहीं की, यहाँ पे खुद ही DPI चेंज होते रहती है। एक और बार यहाँ पे फ्री फायर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे टैप का साइज देख सकते हो बिल्कुल छोटा है, मतलब जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था उससे भी छोटा यहाँ पे सर्कल का साइज है, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ है वो 160 DPI पे स्टार्ट हुआ है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि कितना अनस्टेबल और कितनी बार फ्लक्चुएट होती है DPI ब्लू स्टैक 4 में या फिर MSI में भी ये सेम चीज होती है। और ब्लू स्टैक 5 में ये चीज कम होती है क्योंकि उसमें अब कस्टम DPI का ऑप्शन आ गया, तो अंदर से आप लोग ब्लू स्टैक के अंदर से ही बढ़ा सकते हो DPI।
बट फिर भी ये सेम बग उसमें भी होता है, बट थोड़ा सा कम होता है, ओकेजनली होता है। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे को भी अभी विजुअल टैब्स ऑन करके खेलना पड़ेगा, मेरे को तो पसंद भी नहीं है वो खेलना ऑन करके। तो चिंता मत करो, आपको विजुअल टैब्स ऑन नहीं करने अगर आपको पसंद नहीं है। मैंने एक और ट्रिक ढूंढी है जिससे आप लोग बहुत ही ज्यादा इजीली देख सकते हो कि कितनी डीपीआई पे स्टार्ट हुआ है ब्लूस्टैक्स। और मैंने ये लास्ट में इसीलिए बताया कि जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं उनको ये पता चलना चाहिए। तो आप लोग के एक रिवॉर्ड की तरह देख सकते हो कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको एक सीक्रेट ट्रिक। तो यहां पे मैं वापस से ब्लूस्टैक ओपन करता हूं और इस बार आपको विजुअल टैब्स ऑन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है एंड्रॉइड की सेटिंग के अंदर जो ब्लूस्टैक के अंदर अवेलेबल होती है, और वहां पे जाने के बाद आपको आइकॉन और फॉन्ट का साइज चेक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे आइकॉन और फॉन्ट का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, वो पॉसिबल नहीं है 480 डीपीआई पे। जितनी डीपीआई आप ज्यादा बढ़ाते हो उतना आइकॉन और फॉन्ट का साइज बढ़ जाता है। तो इस बार जो मेरा ब्लूस्टैक स्टार्ट हुआ है वो मेरा 240 डीपीआई पे हुआ है। तो वापस एक बार रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फॉन्ट का साइज चेंज होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं कहीं पे भी फुटेज कट नहीं कर रहा, तो आपको ऐसा ना लगे ये एडिट किया हुआ है। और फिर से चलते हैं एंड्रॉइड सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो फॉन्ट का साइज है और आइकॉन का साइज वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि मेरा इस बार 480 डीपीआई पे ब्लूस्टैक स्टार्ट हुआ है और मैं आराम से जाके गेम खेल सकता हूं, मेरी जो सेंसिटिविटी होगी वो एकदम अच्छी होगी। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। अगर हुई है तो एक लाइक जरूर कर देना, मैं तो और कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक लाइक कर देना और कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना तो वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। और अगर आपको जानना है डीपीआई कैसे बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर वीडियो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, वहां पे क्लिक कर सकते हो। और चैनल पे नए आए हो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।